नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। विनय कटियार के बयान पर भड़के प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा, फेसबुक पोस्ट पर लिखा शर्मनाक बयान, सार्वजनिक रूप से माफी मांगे कटियार। प्रियंका गांधी ने भी साधा निशाना, कहा महिलाओं को लेकर बीजेपी की मानसिकता का हुआ पर्दाफाश। कटियार ने कहा था बीजेपी में प्रियंका से सुंदर है उम्मीदवार। बेटियों पर दिए शर्मनाक बयान पर कायम है जेडीयू नेता शरद यादव, वोटों को बेटियों की इज्जत से बताया था बड़ा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भेजा शरद यादव को नोटिस। भारत और यूएई के बीच 13 अहम समझौतों पर लगी मुहर, रणनीतिक, सामरिक और व्यापारिक मामलों से जुड़े समझौतों पर किए हस्ताक्षर। पीएम मोदी ने अबुधाबी में मंदिर के लिए भूमि देने पर राजकुमार को दिया धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान का कहर, गांदरबल में सेना का शिविर हिमस्खलन की चपेट में, एक जवान की मौत। वहीं कुपवाड़ा में बर्फ के नीचे दबने से एक ही परिवार के 4 लोगों ने गंवाई जिंदगी। 2017 के लिए सरकार ने पद्म सम्मानों का किया ऐलान, विराट कोहली, साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर पद्मश्री से किए जाएंगे सम्मानित। शरद यादव, मुरली मनोहर जोशी को दिया जाएगा पद्म विभूषण सम्मान, लिस्ट में 89 लोगों के नाम। भारत के गणतंत्र दिवस को मिलेगी दुबई के बुर्ज खलीफा की सलामी, 25 जनवरी से 26 जनवरी तक तिरंगे के रंग में रंगा नजर आएगा बुर्ज खलीफा। यूएई के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान गणतंत्र दिवस पर हैं मुख्य अतिथि। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।